हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज दोस्तों हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को कवर करने चल रहे हैं, तो आप देखिएगा कि आज कौन कौन से प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है सब क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर किसी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि तभी नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चल पाएगा कि कितनी वीडियो अपलोड किए जाते हैं। और एक और छोटा सा निवेदन है दोस्तों कि किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है तो प्लीज आप उसको पूरा देखा करिए, उसको स्किप मत किया करिए, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने कि हाल ही में 15वें प्रवासी भारतीय दिवस जो कि मनाया गया 2019 में, इसका आयोजन कहाँ किया गया। याद रखिए प्रवासी भारतीय दिवस, एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है वो नॉर्मली तो मनाया जाता है 9 जनवरी को। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि इसी दिन गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसी वजह से इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में चुना गया और तब से यही मनाया जा रहा है। लेकिन लेकिन एक बात का आप ध्यान देंगे कि इस बार का यानी 2019 का जो प्रवासी भारतीय दिवस था वो 9 जनवरी को न मना करके 21 से 23 जनवरी को मनाया गया। कब मनाया गया है? 21 से 23 जनवरी के बीच में यह सम्मेलन किया गया है। और इसके लिए जो जगह चूज किया गया था वो चूज किया गया था वाराणसी को, ठीक है। याद रखिए वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसको चूज किया गया था और यहीं पर हुआ था 15वां प्रवासी भारतीय दिवस। याद रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, अभी कुछ दिन पहले ही आया था एक न्यूज कि बनारस में एक चावल अनुसंधान केंद्र का एक रीजनल ऑफिस खुलने वाला है, तो यह क्वेश्चन भी आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। कभी कभी आपसे थीम भी पूछ लेता है कि प्रवासी भारतीय दिवस की थीम जो है वो क्या थी, तो याद रखिए नव भारत निर्माण में भारतीय डायस्पोरा की भूमिका। और यहीं से होने के बाद लोग जितने भी अतिथि आए थे उन लोगों को कुंभ भी लाया गया था 24 जनवरी के दिन, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि हाल ही में सोमनाथ चटर्जी जी का निधन हो गया, वे कौन थे या वे किस पद पर थे व क्या थे। तो यहाँ पर इमेज देखिए, आप लोगों को इमेज को देख करके लग जाएगा कि ये लोकसभा स्पीकर है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि लोकसभा अध्यक्ष, तो याद रखिए ये हमारे पूर्व के लोकसभा अध्यक्ष थे। और कब से कब तक थे, तो याद रखिए उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी, 2004 से लेकर 2009 के बीच में क्या थे, आपके लोकसभा अध्यक्ष थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे सोमनाथ चटर्जी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखेगा इनके बारे में, ये पहली बार सांसद चुने गए थे 1971 में और लगातार 10 बार सांसद थे। बीच में एक बार हारे भी थे, खैर अलग बात है, लेकिन याद रखिए लगातार 10 बार जो है, लगातार नहीं 10 बार सांसद रह चुके हैं, तो ये बात भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने किस के साथ समझौता किया है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ओला उबर का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। ओला उबर में बड़ा अंतर है। देखिए जो ओला कंपनी है ना, ये ट्रैवलिंग कंपनियाँ होती हैं, ठीक है। जो ओला कंपनी है वो इंडियन कंपनी है, लेकिन जो उबर कंपनी है दोस्तों ये इंडियन नहीं, ये एक अमेरिकन कंपनी है, तो इसको याद रखेगा। तो उबर ने एक योजना शुरू किया था दोस्तों, उबर केयर। कौन सी योजना था? उबर केयर। इस उबर केयर के तहत उबर का कहना नाम था कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जिन लोगों को दवा की सप्लाई करनी पड़ती है उसमें अपने ड्राइवरों को क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे और उनको एक ई कार्ड बना के देंगे और अपने ड्राइवरों को ट्रेंड करेंगे कि आप जो है जिस जगह से गुजर रहे हैं, अगर आपके रास्ते में कोई ऐसा डिलीवरी का स्थान पड़ता तो आप उसे डिलीवरी पहुंचाइए वहां दवा का, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा चीज़ था, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे तभी योजनाएँ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ याद रखेंगे आप कि ऊबर के साथ ये जो है समझौता किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आपको तो पता ही होगा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है इसके तहत 50 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं और 5 लाख का बीमा दिया जा रहा है, ठीक है। 50 करोड़ परिवारों के लिए यह व्यवस्था किया गया और 5 लाख रुपए का बीमा दिया जा रहा है, ये याद रखना है, ठीक है। आगे किस राज्य ने राइस नॉलेज बैंक की स्थापना किया है या शुरुआत किया है। पहली बात तो याद रखिए कोई बैंक नहीं है, मतलब इसका कोई फिजिकल वो चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये जो राइस नॉलेज बैंक है, ये पहली बात तो खुल रहा है असम में। कहाँ पर खुल रहा है? असम में। और एक्चुअली ये एक तरह का वेब पोर्टल है, ठीक है, यानी कंप्यूटर पर बनाया गया एक वेब पोर्टल है जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा, किसके बारे में बताया जाएगा, उनको राइस यानी चावल के बारे में उनको बताया जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह का वेब पोर्टल है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसको असम ने शुरू किया है। अच्छा, असम ने कुछ ही दिन पहले दोस्तों एक और स्कीम लॉन्च किया था, प्रणाम स्कीम। नाम सुना है आपने, प्रणाम स्कीम। ये प्रणाम स्कीम क्या कहता है? प्रणाम स्कीम के तहत ये व्यवस्था किया था असम सरकार ने कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने बूढ़े माँ बाप को आखिरी समय में छोड़ देता है या घर से बाहर निकालता है तो उसकी सैलरी से एक फिक्स अमाउंट कट होगा जो कि किसको दिया जाएगा, उनके बूढ़े माँ बाप को दिया जाएगा। तो ये योजना लाने वाला पहला सरकार कौन है, याद रखिए आपका असम सरकार है। तो वो इस तरह की व्यवस्था लाई थी प्रणाम योजना के तहत, तो इसको याद रखेंगे दोस्तों। जो मैंने बताया कि राइस नॉलेज बैंक, ठीक है, इसके तहत याद रखेगा एक वेब पोर्टल डेवलप किया गया है जिसमें चावल के
प्रथाओं में चेंजिंग करने के लिए और कैसे उसका उत्पादन बढ़ाया जाए, इसके बारे में कई सारी जानकारियाँ दी गई हैं। कुछ चीज़ें और आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे असम की राजधानी कहाँ पर है, तो आपको याद रखना पड़ेगा दिसपुर राजधानी है। यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है, तो सर्वानंद, ठीक है, सर्वानंद सोनोवाल, ठीक है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो जगदीश मुखी। इन तीनों चारों प्रश्नों को भी याद रखिएगा साथ में। आगे, किस राज्य के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने स्कॉच अवार्ड 2018 जीता है? पहली बात तो समझिए स्कॉच अवार्ड होता क्या है। देखिए स्कॉच अवार्ड क्या है ना, ये किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट को दिया जाता है उसके गवर्नेंस के ऊपर। यानी सरकारी कोई डिपार्टमेंट वो ठीक ढंग से अगर काम करता है तो और अच्छे से काम करे, इसके लिए इस तरह के अवार्ड दिए जाते हैं। तो स्कॉच अवार्ड इसीलिए दिया जाता है, ठीक है, ताकि जो सरकारी डिपार्टमेंट है वो अधिकतम अपनी भूमिका निभा सकें और अधिक से अधिक अपना अच्छे से काम कर सके, ठीक है। तो याद रखिए गुड गवर्नेंस के लिए ये स्कॉच अवार्ड दिया जाता है। और इस बार का स्कॉच अवार्ड दिया गया उड़ीसा को। तो क्या भाई उड़ीसा में कुछ इस तरह का काम हुआ था क्या कि उसको दे दिया गया इस तरह का अवार्ड? तो याद रखिए उड़ीसा में पिछले कुछ वर्षों में नहीं, पिछले एक सालों में लगभग 889 चक्रवात आए, ठीक है। और इन चक्रवातों से पब्लिक की रक्षा कैसे करना है, अपनी सेफ्टी कैसी करना है, ठीक है, इसके लिए उड़ीसा गवर्नमेंट का जो वहाँ का राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण था, यानी जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट वाला सिस्टम था, उसने बड़े अच्छे से काम किया। इस वजह से यहाँ पर उड़ीसा को चूज किया गया, ठीक है। स्कॉच अवार्ड 2018 के लिए किसको चूज किया गया? उड़ीसा को। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, भुवनेश्वर अगर आई गया तो एक बात और याद रखें, भुवनेश्वर में भी हाल ही में आपको पता होगा कि पिछले ही साल पुरुष हॉकी विश्व कप खेला गया था। कौन सा? पुरुष हॉकी विश्व कप खेला गया था, जिसमें जीतने वाली टीम कौन सी थी? बेल्जियम की टीम ने जीता था वहां पर, ठीक है। पुरुष हॉकी विश्व कप ये कहाँ पर हुआ था? तो आपके भुवनेश्वर में हुआ था, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ याद रखिए दोस्तों, स्कॉच अवार्ड जो है ये गुड गवर्नेंस के ऊपर तो मिलता ही मिलता है। इसके अलावा अगर कभी आपसे पूछ दे कि गोल्डन जुबली स्कॉच अवार्ड किसको दिया गया है इस बार का 2018 का गोल्डन जुबली स्कॉच अवार्ड, तो ये मिला है सुरेश प्रभु को, ठीक है। अच्छा अच्छा काम करते हैं बहुत सारा, इन्होंने हाल ही में आपने देखा होगा कई सारे जो उद्घाटन किए हैं, तो उसके लिए इनको चूज किया गया सुरेश प्रभु को, ठीक है, गोल्डन जुबली स्कॉच अवार्ड। और इसके अलावा स्कॉच मुख्यमंत्री ऑफ द ईयर का अवार्ड भी किसको दिया गया? तो ये दिया गया ममता बनर्जी को। किसको दिया गया? ममता बनर्जी, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, भुवनेश्वर जो है वो उड़ीसा की राजधानी है। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? तो नवीन पटनायक हैं। और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल यहाँ के क्या है? राज्यपाल हैं। तो ये सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। अगला है, AK-203 राइफल फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? AK-203, वैसे ज़्यादातर हम लोगों के जवान पे कौन सा रहता है भैया, कौन सा गन है? तो AK-47 रहता है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, AK-47 का लेटेस्ट तो वर्जन आ गया, यानी अपडेटेड वर्जन है, उसी का नाम क्या है? AK-203। क्या नाम है? AK-203। तो याद रखेगा आप, AK-47 जो है वो अपडेटेड वर्जन में आ चुका है AK-203 में। और ये राइफल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया अमेठी में। अमेठी के बारे में आप सभी को पता होगा, ठीक है। अमेठी से तो चुनाव लड़ती हैं आपकी सोनिया गांधी, और बगल में रायबरेली है, वहाँ से चुनाव लड़ते हैं राजीव गांधी। फिलहाल के लिए अलग बात है। अच्छा, अमेठी एक चीज़ के मामले में और फेमस है दोस्तों, यहीं पर राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी है। याद रखिए राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर? आपके अमेठी में है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, ये जो राइफल फैक्ट्री यानी एक तरह की ऑर्डनेंस फैक्ट्री होती है, एक्चुअली में अमेठी में जो राइफल फैक्ट्री है उसका नाम क्या है? तो याद रखिए कोरवा। ऐसा नहीं कि अमेठी याद कर लिया पता चला कोरवा नहीं याद है, ठीक है। उस राइफल फैक्ट्री का नाम ही है कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ठीक है, याद रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अभी रायबरेली के बारे में आपको बता रहा था, रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं। और रायबरेली जो है दोस्तों, अभी रायबरेली में आपने हाल ही में सुना होगा, वहाँ पर एक मॉडर्न कोच फैक्ट्री लगाई गई है। यानी जो रेलवे के कोच होते हैं, जो डिब्बे होते हैं, उन डिब्बों को भी बनाया जाएगा कहाँ पर? आपके रायबरेली में। तो इसके लिए वहाँ पर क्या खोला गया? मॉडर्न कोच फैक्ट्री। क्या खोला गया? मॉडर्न कोच फैक्ट्री। अब तक भारत में तीन तरह की कोच फैक्ट्रियां हैं, तीन कोच फैक्ट्रियां हैं, तीन तरह नहीं, तीन जगह पर है। एक तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री है, वो आपके रायबरेली में है। दूसरा आपका है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। कौन सा? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये आपके है चेन्नई में। और इसी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में ही कौन सा बनाया गया था? ट्रेन 18, जिसको हम वंदे भारत एक्सप्रेस बोलते हैं, वो कहां पर बनाया गया था? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनाया गया। तो तीसरा है जो आपका ये रोल कोच फैक्ट्री कपूरथला, कपूरथला पंजाब में, ठीक है, वहां पर सिंपल रेल कोच फैक्ट्री है। मॉडर्न वाला कहां पर? रायबरेली में, याद रहेगा, सब मिला जुला के याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, आजादी के दीवाने नामक संग्रहालय का यानी म्यूजियम का उद्घाटन कहां पर किया गया है? पहले तो आपको बता दूं, लाल किला से आप सभी परिचित होंगे। लाल किला कहां पर है? ये आपके दिल्ली में है। और लाल किला में इस बार एक साथ 5 म्यूजियम खोले गए। कितने म्यूजियम दोस्तों? एक दो नहीं, 5 म्यूजियम। और ये 5वें नंबर का म्यूजियम है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आजादी के दीवाने, ठीक है। और ये आपके
खुला है लाल किला न्यू दिल्ली में, ठीक है, याद रहेगा। तो इसका उद्घाटन किसने किया है, तो यहाँ याद रखिएगा, इस वाले में तो मोदी जी नहीं शामिल थे, बाकी में मोदी जी शामिल थे, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली में भी हाल ही में बना था वेस्ट वंडर पार्क, यानी वहाँ पर जो कूड़े कचरे हैं उनसे मिला करके 7 अजूबों को बनाया गया था, ठीक है, उसके बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ दे कि ये 5वें नंबर पर तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा था, तो पहला यहीं पर बना है सुभाष चंद्र बोस के जी के ऊपर, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है 23 जनवरी को, उनके जयंती के दिन इसका उद्घाटन किया गया था, सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम का, ठीक है। इसके अलावा INA संग्रहालय बनाया गया, ठीक है, INA। इसके अलावा तीसरा है दोस्तों याद ए जलिया का भी म्यूजियम कहाँ बनाया गया है, यहीं दिल्ली में बनाया गया है। और चौथा है 1857 1857 का म्यूजियम भी यहीं पर है। और पांचवा है आज़ादी के दीवाने, तो नाम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ICC महिला क्रिकेट की नवीनतम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही, तो याद रखिए इस बार शीर्ष पर रही है झूलन गोस्वामी। ये जो इमेज आप देख रहे हैं दोस्तों, ये इमेज है झूलन गोस्वामी का, हालांकि अब तो इन्होंने रिटायरमेंट घोषित कर दिया अपना, ठीक है, लेकिन इनका नाम याद रखिएगा, ICC महिला क्रिकेट की नवीनतम रैंकिंग में सबसे टॉप पर है। अच्छा, झूलन गोस्वामी दोस्तों ये बिलोंग करती हैं आपके पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले से, कहाँ से, नदिया जिले से बिलोंग करती हैं, इसीलिए इनको नादिया एक्सप्रेस भी कहा जाता है। याद रखिए आपसे एग्जाम में पूछता है नादिया एक्सप्रेस किसे कहा जाता है, तो झूलन गोस्वामी को, ठीक है। इसके अलावा दो तीन लोगों का और नाम याद रखें, जैसे जब महिला क्रिकेटर की बात आती है तो आप अक्सर करके नाम याद रखते हो मिताली राज का, ठीक है। अब मिताली राज जो है ये महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रह चुकी हैं, ठीक है, और है भी, और ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं, और अभी हाल ही में इन्होंने 200 ODI पूरा किया है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 6000 रन पूरा करने वाली भी पहली महिला क्रिकेटर बनी है, ये भी याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों आप नाम सुनते होंगे स्मृति मंधाता का, ठीक है, मंधाना, मंधाता नहीं, मंधाना, ठीक है, स्मृति मंधाना, मंधाना, ठीक है, इनका भी नाम सुनते होंगे। कितना नाम है, 4 नाम आपको याद रखना है। पहला नाम तो आप याद ही रखें झूलन गोस्वामी, ठीक है, जिनको हम नादिया एक्सप्रेस कहते हैं। दूसरा नाम याद रखा आपने मिताली राज का। तीसरा नाम रखिए आप आज स्मृति मंधाना का, ठीक है। स्मृति मंधाना को 2018 का ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। याद रखिए ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है, स्मृति को मिला है, ठीक है। इसके अलावा एक और नाम याद रखिएगा आप, हरमीत कौर का, ये पंजाब से बिलोंग करते हैं, नाम से भी लग जाएगा, ठीक है, हरमीत कौर, हरमीत कौर, इनका भी नाम याद रखिएगा। हरमीत कौर जो है ये T20 महिला के लिए खेल रही हैं और उसकी टीम की कप्तान है, ठीक है, जिस तरह से आपकी मिताली राज हैं उसी तरह से ये T20 महिला क्रिकेट के लिए कप्तान चुनी गई हैं, तो इनका भी नाम में याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में किस जिले को शीर्ष महत्वाकांक्षी जिला घोषित किया गया, तो असम में दोस्तों यह जिला है हैलाकांडी। कौन सा, हैलाकांडी, इसको चूज किया गया, ठीक है। हैलाकांडी का नाम 2016 में आया था, तब जब नोटबंदी हुआ था, क्योंकि यही वो जिला था पूरे देश में जो कैशलेस मजदूरी बांट रहा था, ठीक है, हैलाकांडी का नाम तब आया था और अब आ रहा है, ठीक है, तो याद रखिए, क्योंकि नीति आयोग ने अपने डेल्टा रैंकिंग में इसको शीर्ष महत्वाकांक्षी जिला घोषित किया है, तो इसके लिए हैलाकांडी का नाम आप याद रखेंगे। नीति आयोग की बात आई गई तो आप सभी को पता होगा नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को हुआ था, और इसके CEO हैं अमिताभ कांत, ठीक है, और हेड कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। अगला है संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति, यह भारत और किस देश के बीच में हुआ है, तो याद रखिए भारत और बांग्लादेश के बीच में दोस्तों यह संप्रीति सैन्य अभ्यास हुआ है, भारत और बांग्लादेश के बीच में। यहां पर देखिए एक मिलिट्री ऑपरेशन था और यहां इमेज में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत कई देशों के साथ जो है अपने ऑपरेशन इस तरह से करता रहता है, ऑपरेशन नहीं, अपना जो है इस तरह से काम करता रहता है, तो अभी हाल ही में 2-3 जगहों पर और हुआ था, उनको भी याद रखिएगा। जैसे चीन के साथ भारत कौन सा सैन्य अभ्यास करता है, तो हैंड इन हैंड, यानी आ जाओ एक एक हाथ हो जाए। नेपाल के साथ करता है सूर्य किरण, नेपाल के साथ कौन सा करता है, सूर्य किरण। रूस के साथ कौन सा करता है, तो रूस के साथ इंद्र सैन्य अभ्यास करता है, इंद्र, ठीक है, ये सब याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, कभी ये भी पूछ सकता है कि ये वाला सैन्य अभ्यास जो संप्रीति हुआ है किस जगह पर हुआ है, तो याद रखिए बांग्लादेश में हुआ था, वहाँ पर एक जगह है तंगेल, कौन सा जगह है, तंगेल, बांग्लादेश के तंगेल में यह सैन्य अभ्यास हुआ था। अच्छा, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पर है, ढाका। मुद्रा कौन सी है, टका। वहाँ की प्रधानमंत्री फिर से कौन चुनी गई हैं, शेख हसीना। अच्छा, एक चीज़ के मामले में और बांग्लादेश को याद रखिएगा, अभी बांग्लादेश ने अपने यहाँ आरक्षण की पद्धति को समाप्त किया है, ख़त्म किया है, ठीक है, तो भारत के पड़ोसी देशों में रिजर्वेशन को समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा हो गया है, तो बांग्लादेश याद रखेगा। अगला देखिए, केंद्रीय बजट 2019 में ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। पहले तो समझिए ग्रेच्युटी क्या होता है, ग्रेच्युटी
तो ये होता है दोस्तों, जैसे आप कभी किसी कंपनी में जब आप काम करेंगे ना, तो काम में आपको काम करने के दौरान आपको सैलरी मिलती है, कुछ दिन बाद आपको पेंशन भी मिलता है, पीएफ भी मिलता है, लेकिन इन सब के अलावा जो कंपनी आपको एक बोनस के तौर पर देती है वो होता है ग्रेच्युटी, एक मोटा मोटी अमाउंट, ठीक है, जब आप रिटायरमेंट लेते हैं वहाँ से, ठीक है, तो आपके काम करने के दौरान कंपनी अपने हिसाब से तय करती है और आपको ग्रेच्युटी देती है। तो इस ग्रेच्युटी को जो है सीमा बढ़ाकर 20 लाख किया गया है, मतलब कि 20 लाख की ग्रेच्युटी तक आपके ऊपर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, ये कहने का मतलब है, तो 20 लाख याद रखेगा। अगला दोस्तों, किस शहर में काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन किया गया है, किस शहर में काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन किया गया है ये आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, ये महोत्सव हुआ मुंबई में, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब कभी ये क्वेश्चन आएगा ना तो ज़्यादातर लोग इसको मुंबई टिक ही नहीं करेंगे अगर नहीं पढ़े होंगे तो याद रखिए मुंबई में महोत्सव हुआ था और अभी फरवरी में हुआ है, 2 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी तक ये मनाया गया है, काला घोड़ा कला महोत्सव, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें क्या था दोस्तों, इसमें एक महोत्सव मनाया गया जिसमें कला, शिल्प, नृत्य, थिएटर, साहित्य संबंधी क्रियाकलाप किए गए और इसको स्टार्ट किया गया था 1999 से, ठीक है, और इस वर्ष भी मनाया गया, ठीक है, काला घोड़ा कला महोत्सव। तो आप यहाँ पे जाएंगे तो काफ़ी अच्छा फील होगा। यहाँ देखिए कह रहा है विश्व धरोहर केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, यहाँ पर यूनेस्को का इमेज है बट ये बिल्कुल गलत है, इसका दूर दूर का संबंध यूनेस्को से नहीं है। देखिए यूनेस्को क्या है, वो अलग चूजिंग करता है, अभी यूनेस्को ने एक शहर को भी चूज किया था विश्व धरोहर स्थल के रूप में, वो कौन सा था, अहमदाबाद, लेकिन यहाँ पर विश्व धरोहर केंद्र की बात हो रही है, ठीक है, तो ये विश्व धरोहर केंद्र भारत स्थापित कर रहा है कलकत्ता में, ठीक है। अब एक्चुअली मैं बताऊँ दोस्तों तो कलकत्ता में ये स्थापित किया जा रहा है मायापुरी में, कहाँ पर, मायापुरी एक जगह है नदिया जिले में जहाँ से आपकी कौन थी, नदिया एक्सप्रेस थी, ठीक है, वहीं से, ठीक है, तो या झूलन गोस्वामी, तो याद रखें नदिया एक्सप्रेस जिनको कहा जाता है, मायापुरी में खोला जा रहा है। मायापुरी में दोस्तों इस्कान टेंपल का नाम आपने सुना है, इस्कान टेंपल की हेड ऑफिस वहाँ पर है, ठीक है, और उसी के सहयोग से इसको बनाया भी जा रहा है। अच्छा, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, जरा ये बताइए, तो विश्व विरासत दिवस याद रखिए 18 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, किसने पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर बनकर इतिहास रचा है, तो दोस्तों हीना जायसवाल पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनकर दोस्तों इन्होंने एक इतिहास रचा है, याद रखिएगा, ठीक है, क्या नाम है इनका, हीना जायसवाल नाम है, और इनकी पोस्टिंग अभी कहाँ डायरेक्ट पता है कहाँ, सियाचिन ग्लेशियर में पोस्टिंग कर दिया गया ले जाकर, ठीक है, वहाँ से हेलीकॉप्टर चलाएंगे और सीधे अरब सागर तक आएंगी, ठीक है, तो ये अंडमान सागर तक, तो ये दोनों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 किसे दिया गया है, ठीक है, तो दो लोगों को मिला है, एक तो आपके विराट कोहली को मिला है जिनसे आप बाकायदा परिचित होंगे, और दूसरा मिला है मीराबाई चानू को, यस मीराबाई चानू, यस पूरा नाम इनका दोस्तों सैखोम मीराबाई चानू, याद रखिएगा सैखोम मीराबाई चानू पूरा नाम इनको, और इनको मिला है वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन में मिला है, ठीक है, 48 किलोग्राम के भारोत्तोलन में इनको यह पुरस्कार मिला है। और अभी आपको पता होगा कि राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, ठीक है, 2018 में कॉमनवेल्थ गेम जिसको आप बोलते हो, ठीक है, ये कहाँ पर हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, गोल्ड कोस्ट में, ऑस्ट्रेलिया में जगह पड़ता है गोल्ड कोस्ट, ठीक है, क्वींसलैंड पर पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, तो उसमें खेला गया था यह राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम, और उसी में जो है इन्होंने जीता था, ठीक है, क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था भारत के लिए, याद रखिएगा, ठीक है, तो इन दोनों लोगों को मिला। अच्छा दोस्तों, ये भी आपसे पूछ सकता है कि जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था 2018 में, इसमें भारत ने कुल कितना मेडल जीता, तो कुल 66 मेडल जीता था, जिसमें से 26 गोल्ड था सबसे ज़्यादा, और 20 क्या थे, 20 सिल्वर था, 20 ब्रोंज था, ठीक है, याद रखेगा, तो 26 20 20 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, पिछले बार 2017 में शायद 64 जीता था, इस बार दो बढ़ के जीता है। कह रहा है 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है, तो 22वां वाला होगा दोस्तों बर्मिंघम में, कहाँ पर होगा, बर्मिंघम में होगा, बर्मिंघम कहाँ पड़ता है आपका, तो ये पड़ता है इंग्लैंड में, याद रखिएगा बर्मिंघम इंग्लैंड में अगला होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है कौन सा जिला देश में 100% सौर ऊर्जा से संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वाला पहला जिला बन गया है। दोस्तों इस जिले ने किया क्या है कि अपने जिले में जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनकी छतों पर सौर पैनल लगा दिया ताकि सौर ऊर्जा जनरेट हो सके और उससे वो चल सके, तो जितने भी हैं ना टोटल में लगा दिया, तो इसीलिए बोल रहा कि 100% सौर ऊर्जा से संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वाला पहला जिला कौन सा है, तो जिला बना है सूरत। और एक और रिपोर्ट आई थी दोस्तों, सूरत जो है सबसे तेज से बढ़ता
हुआ शहर है पूरे विश्व में, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी एक नया डेटा आया है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। आगे, हाल ही में सरकार ने किस एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अटल पथ रखने का निर्णय लिया है? तो याद रखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेस बन रहा था दोस्तों, इसका नाम बदल करके क्या रखा जा रहा है, अटल पथ, बुंदेलखंड एक्सप्रेस का नाम बदल करके, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब से मृत्यु हुई तब से लगातार कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही हैं, आप देख रहे हैं, जैसे अभी आपने कल ही पढ़ा था कि बुंदेलखंड चिकित्सीय विश्वविद्यालय बन रहा है आपका कहाँ पर, लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में एक चौराहे का नाम भी अटल जी के नाम पर रखा गया। हबीबगंज मध्य प्रदेश में रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदल करके अटल जी के नाम पर रखा गया। आज आप पढ़ रहे हो कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अटल जी के नाम पर रखा गया, ठीक है, कल आप पढ़ने वाले हो कि अटल शक्ति स्थल कहाँ पर है, ठीक है, ये आप बाद में पढ़ने वाले हो, आज ही बता दे रहा हूँ। चलो याद रखना, अटल शक्ति स्थल जो है ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो आपको पता होगा अटल जी के समय में पोखरण में क्या किया गया था, परीक्षण किया गया था, तो वहीं पोखरण में ही बन रहा है दोस्तों अटल शक्ति स्थल, ठीक है, याद रखे, राजस्थान में बन रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कोलिजन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है प्रणव मुखर्जी जी ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है उनकी और आई थिंक ये आखिरी किताब उनकी है, याद रखें, कई सारे किताबों का संग्रह है कोलिजन ईयर्स, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इनकी दो तीन किताबें और बहुत फेमस है, उन किताबों का नाम याद रखिएगा, द इंदिरा गांधी ईयर्स, ये भी किताब किसने लिखा है, तो याद रखिए ये भी प्रणव मुखर्जी जी की किताब है, द इंदिरा गांधी ईयर्स। द टर्बुलेंस ईयर, ये भी आपका कई बार एग्जाम में आ चुका है, द टर्बुलेंस ईयर किसकी किताब है, इन्हीं की है। द ड्रामेटिक डेकेड, ये भी किसकी किताब है, प्रणव मुखर्जी जी की, तो सब याद रखिएगा, ठीक है। आगे है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, तो ये मनाया जाता है 7 अगस्त को, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, 7 अगस्त को मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो याद रखिएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, 20 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ शेयर करिएगा, और किसी तरह का एडवर्टीजमेंट अगर आता है तो उसको पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। जो लोग नए हैं उनको कहना चाहूँगा, यहाँ पर सभी विषयों की डिटेल क्लासेस दी जाती हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में आइए और डिटेल से जो भी चीज़ें चाहें वो आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू सो मच।